स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों YouTube पर पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू बनाने के लिए आप सभी को ट्रेनिंग दी गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू बनाने का कार्य सीख ली होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पौष्टिक लड्डू पूरक पोषाहार की जो राशि होती है उसका आवंटित ICDS विभाग की तरफ से एक पत्र जारी करके बताया गया है। उसी पत्र को आज हम लोग देखेंगे कि उसमें कितना राशि पूरक पोषाहार या जो भी योजनाएं हैं उसका राशि का आवंटित कर दिया गया है, उसका डिटेल्स इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कितनी राशि केंद्र सरकार पूरे साल में खर्च करती है जो भी योजनाएँ होती है, और राज्य सरकार कितने राशि खर्च करती है आंगनवाड़ी में जो भी योजनाएं आती है उन सभी पे कितना खर्च किया जाता है, उसका डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि जो भी आप सभी को जानकारी चाहिए इस चैनल से आप सभी को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बिहार सरकार ICDS विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है 25/6/2021, यानी कि 5 दिन पहले ये पत्र जारी किया गया था। और इसका यहाँ पे पत्रांक संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे 3095, जो कि यहाँ पे प्रेषक में निदेशक ICDS और सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया था। तो यहाँ पर विषय दिया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की 100% नियमानुसार निकासी एवं व्यय के संबंध में। तो जो राशि निकासी एवं खर्च है, यानी कि जो राशि आ रही है और वो जो राशि खर्च हो रही है उसी के संबंध में यहाँ पे इस लेटर को जारी किया गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 जो अभी चल रहा है में ICDS निदेशालय में संचालित विभिन्न योजनाओं, यानी जो जितने भी योजनाएँ हैं, योजनावार आवंटित राशि एवं निकासी राशि की स्थिति निम्न प्रकार है। जो राशि आवंटित की जाती है योजना के अनुसार उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, डिटेल्स को आगे समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे राशि दिया गया है, जैसे कि योजना का नाम है आवंटित राशि, निकासी राशि और निकासी राशि का प्रतिशत, यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो योजनाएं दिया गया है, यहाँ पे टोटल 12 योजनाएं हैं और 12 योजनाओं में कितने कितने राशि आई है और कितना खर्च हुआ है उसका डिटेल्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो योजना है विशेष पौष्टिक आहार की योजना, यानी कि पौष्टिक लड्डू बनाने वाला, उस योजना में यहाँ पर राशि आवंटित की गई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 61,67,500, जिसमें से कि 14 लाख ही राशि निकासी हुई है, और उसका परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 22% ही उस राशि का यहाँ पे निकासी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, पूरक पोषाहार सामान्य, तो ये जो योजनाएँ हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है उसके लिए यहाँ पे जो राशि दी गई है उसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 100% उस राशि का निकासी हो चुका है। तो ये पोषाहार वाली जो योजना है उसका 100% निकासी हो चुका है। उसके बाद और भी जो योजना है उसका यहाँ पे 51%, 50%, और जो ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है इसमें सिर्फ 60% यानी कि 60% ही इस राशि का निकासी हो पाया है। और आगे मैं बताऊंगा कि ये राशि कब तक निकासी कर लेना है, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो राज्य सरकार की जो योजना है उसमें है एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, यानी कि पोषाहार वाली योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, पूरक पोषाहार विशेष घटक, पूरक पोषाहार जनजातीय और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये जो योजनाएँ हैं उन सभी का यहाँ पर डिटेल्स देखिए कि 86% ही परसेंटेज में बात करें तो जो योजना राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसमें सिर्फ 86% ही पैसा का निकासी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो राज्य सरकार की स्कीम है, अन्य स्कीम यानी कि आंगनबाड़ी सेवाएं और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो टोटल राशि है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 10,48,16,62,622 रुपये हर साल इन सभी योजनाओं के लिए आवंटित की जाती है, जिसमें कि अभी यहाँ पे खर्च हुए हैं सिर्फ
6,78,55,00,000 ही यहाँ पे जो राशि है उसको खर्च किया गया है। पूरा टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 64.74% राशि का निकासी किया गया है। उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब तक आवंटित राशि का लगभग 35% की निकासी आपके द्वारा नहीं की गई है, यानी कि 35% जो राशि बची है उसका निकासी अभी ICDS विभाग की तरफ से नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही खेद एवं चिंता का विषय है। आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2021 से राशि के आवंटन एवं निकासी में PFMS सिस्टम लागू हो रही है, यानी कि जो 1 जुलाई आ रही है, 1 जुलाई 2021 से PFMS सिस्टम में जो बदलाव होंगे उसके लिए उसके पूर्व भी ये राशि आवंटित कर लेना है, जिसके कारण यहाँ पे पूर्व में आवंटित राशि की 30 जून 2021 के उपरांत निकासी प्रभावित हो सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 जून 2021 के पहले इस राशि को निकासी कर लीजिए, नहीं तो जो PFMS सिस्टम लागू हो जाएगा उसमें आपको पैसा निकासी करने में दिक्कतें आ सकती है। पुनर्निर्देश है कि उपयुक्त आवंटित राशि की 30 जून 2021 तक 100% नियमानुसार निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जाए। तो आज है 30 तारीख, यानी कि आज ही के दिन के लिए ये बताया गया था कि आपको आज तक ये इस पूरे राशि को निकासी कर लेना है, उसको सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा किसी भी विपरीत स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये जो ICDS विभाग को ये सूचना दिया गया है उसके लिए बताया जा रहा है कि आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को जो ICDS से पत्र जारी किया गया था उसके बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।